हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोल्डिंग सैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मोल्डिंग सैंड क्या होता है। मोल्डिंग सैंड स्टूडेंट्स, मोल्डिंग सैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कास्टिंग प्रोसेसेस में या फाउंड्री शॉप्स में, क्योंकि सबसे पहले हम इस सैंड को तैयार करते हैं, मोल्डिंग सैंड को तैयार करते हैं। अगर ये सैंड नहीं तैयार करेंगे तो हम कैविटी नहीं बना पाएंगे, और कैविटी नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो फाइनल कास्टिंग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें सिलिका सैंड चाहिए होता है। सिलिका सैंड, तो जो पूरा हमारा मोल्डिंग सैंड होता है उसमें सिलिका सैंड का परसेंटेज लगभग 70 से 85% तक होता है। नॉर्मल सभी मेटल्स की कास्टिंग के लिए हम लोग सिलिका सैंड ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कभी कभी हम लोग जिरकोनिया सैंड भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टील की कास्टिंग बनानी होती है। सिलिका सैंड के बाद आता है क्ले। क्ले एक बाइंडर की तरह एक्ट करता है जो कि हमारे सैंड को जोड़ करके रखता है, पकड़ करके रखता है। तो लगभग इसका परसेंटेज होता है 10 to 15%, मान लीजिए ये लगभग 10 to 15 या 10 to 20% तक जाता है क्ले। उसके बाद आता है मॉइस्चर, या हम वाटर भी कह सकते हैं कि वाटर का कंटेंट कितना रहता है। तो लगभग ये हमारा 3 से 6% रहता है, 3 से 6% हमारा मॉइस्चर रहता है। इसके बाद आता है हमारा एडिटिव्स, के बाद हमारा आता है एडिटिव्स। तो एडिटिव्स नॉर्मली 1 से 3% तक रहता है एडिटिव्स। ये एडिटिव्स क्या होते हैं? एडिटिव्स बेसिकली हमारे सैंड में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को इनहेंस करते हैं, जिसके कारण हमारा जो सैंड का स्ट्रेंथ होता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इन एडिटिव्स में हमारे पास हो जाता है जैसे कोल डस्ट, उसके बाद आ जाता है कॉर्न फ्लोर, उसके बाद वुड फ्लोर। तो ये सारे जो जो देख रहे हैं हम लोग, ये सारे कोल डस्ट हुए या कॉर्न फ्लोर हुआ या वुड फ्लोर हुआ, ये सब एडिटिव्स में आ जाते हैं। अब बात होती है कि जैसे हमने बताया कि क्ले हमारा बाइंडर की तरह एक्ट करता है, क्ले एक बाइंडर की तरह एक्ट करता है। तो नॉर्मली बाइंडर कंटेंट अगर हम लोग बढ़ाते हैं किसी भी मोल्डिंग सैंड में, तो स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होती ही है, उसके साथ वियर रेजिस्टेंस भी इंप्रूव होती है। लेकिन ये दो चीजें बढ़ने के कारण, ये दो चीजें ये बढ़ाता है, एक स्ट्रेंथ बढ़ाता है और एक वियर रेजिस्टेंस बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ जो फ्लोएबिलिटी होती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारे मोल्डिंग सैंड की, कि मोल्डिंग सैंड इज हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो व्हेन एवर वी रैम द सैंड। जब भी हम सैंड में रैमिंग करते हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है मोल्डिंग सैंड की कि वो फ्लो हो, लेकिन ज्यादा बाइंडर का परसेंटेज ऐड कर देने के कारण फ्लोएबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ रहता है और हमारा वियर रेजिस्टेंस भी इंप्रूव हुआ रहता है। तो ये पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स हैं, सिलिका सैंड, क्ले, मॉइस्चर और एडिटिव्स। ये 4 कंटेंट हैं जिसकी मदद से हम लोग अपना मोल्डिंग सैंड तैयार करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस प्रकार के सैंड्स होते हैं एक्चुअलिटी में। तो चलिए हमारा सैंड अगर ले लेते हैं हम, चलिए पहले नंबर पे अगर सैंड की बात करें, टाइप्स ऑफ सैंड की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सैंड, कितने प्रकार के सैंड होते हैं? तो सबसे पहला होता है हमारा ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड क्या होता है? ग्रीन सैंड वो सैंड होता है जिसमें मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होती है, लगभग 2 से 6% मॉइस्चर हमारे ग्रीन सैंड में रहता है। इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इफ द सैंड कंटेन्स 2 to 6% मॉइस्चर देन द सैंड इज नोन एज ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड की स्ट्रेंथ कम होती है। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड टाइप का है तो ड्राई सैंड।
ग्रीन सैंड में मॉइस्चर होता है लेकिन ड्राई सैंड में कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है। जैसे ही हम मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं वो मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है। तो ग्रीन ड्राई सैंड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द मॉइस्चर अवेलेबल इन द मोल्डिंग सैंड इवेपोरेट्स बिकॉज ऑफ दैट हाई टेम्परेचर, दैट पर्टिकुलर मॉइस्चर इवेपोरेट्स, जो हाई टेम्परेचर के कारण जो हमारा मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट कर जाता है। तो इस प्रकार के सैंड को हम लोग ड्राई सैंड कहते हैं और इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ज्यादा होती है ग्रीन सैंड के कंपैरिजन में। थर्ड सैंड देखते हैं हम लोग, फेसिंग सैंड। क्या होता है फेसिंग सैंड? नॉर्मली ये वो सैंड होता है जो हमारे मोल्ड कैविटी के पास लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे ये हमारा मोल्ड फ्लास्क हो गया और ये हमारी मोल्ड कैविटी हो गई, ये हमारी मोल्ड कैविटी हो गई। तो फेसिंग सैंड नॉर्मली हम लोग कहां लगाते हैं? हम लोग इस पोर्शन पे लगाते हैं फेसिंग सैंड, अंदर वाले पोर्शन पे हम लोग फेसिंग सैंड लगाते हैं। तो इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, द सैंड विच इज यूज्ड नियर द मोल्ड कैविटी विथ मोर क्ले एंड फाइन सिलिका सैंड इज कॉल्ड फेसिंग सैंड, इसे हम लोग फेसिंग सैंड बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ, पार्टिंग सैंड। थर्ड के बाद फोर्थ आता है हमारा पार्टिंग सैंड। पार्टिंग सैंड, पार्टिंग सैंड जब हम लोग दो बॉक्स लेते हैं, यहां देख सकते हैं हम लोग, ये ऊपर वाला सेक्शन हमारा कोप हो गया, नीचे वाला सेक्शन हमारा ड्रैग हो गया, कोप एंड ड्रैग। तो जो हमारा पार्टिंग सैंड होता है वो हम पार्टिंग लाइन में यानी बीच के सरफेसेस पे डालते हैं, जिससे कि हमारा कोप का सैंड और ड्रैग का सैंड एक दूसरे के साथ नहीं चिपके। तो इस प्रकार के सैंड को हम लोग पार्टिंग सैंड बोलते हैं। लास्ट होता है बैकिंग सैंड। लास्ट है बैकिंग सैंड। तो जो बैकिंग सैंड होता है ये हमारे मोल्ड को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पार्टिंग सैंड दोनों को चिपकने से बचाता है, उसी प्रकार से बैकिंग सैंड जो होता है ये मोल्ड को सपोर्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, हमने मोल्डिंग सैंड में सबसे पहले कंटेंट देखा, क्या क्या कंटेंट होता है मोल्डिंग सैंड को प्रिपेयर करने में या मोल्ड को प्रिपेयर करने में कौन कौन से कंटेंट्स का यूज होता है। तो हमने बताया उसमें कि उसमें सिलिका यूज होता है, एडिटिव्स यूज होते हैं, बाइंडर यूज होता है, मॉइस्चर यूज होता है। उसके बाद हमने बताया कौन कौन से टाइप के हमारे सैंड्स होते हैं, ग्रीन, ड्राई, फेसिंग, पार्टिंग और बैकिंग सैंड। थैंक यू।